सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। अभी ना आपको मेरा फेस ना काफ़ी ग्लोइंग लग रहा होगा क्योंकि मैं ना बाहर बैठा हूँ और बाहर देखो कितनी धूप है, तो यहाँ बैठ के मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और ये हमारा टीपू इधर सोया हुआ है। तो आज ना है 12th में द मोस्ट वेटेड डे, क्योंकि आज है देवी लहराई की जत्रा एट शिरगांव। तो मेरा आज ऐसा प्लान था कि मैं सुबह 6:30 बजे जाऊँगा, पर वो मेरे से हो नहीं पाया। तो अभी टाइम बच गया है दोपहर के 12:10। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, और शुभम और सनी भी आने वाला है क्योंकि वो उधर ना धोन है, तो वो सुबह गए थे वो, पर वो मेरे लिए ना अभी फिर से आ रहे हैं। तो अभी चलता हूँ मैं टेंपल में, और आज मोटो व्लॉग ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो मैं ना आपको डायरेक्टली मिलूँगा टेंपल में। तो अभी ना मैं पहुंच गया हूँ मयम, और वहाँ रखी है मेरी बाइक। अभी ना शुभम आने वाला है, तो शुभम के लिए मैं इधर रुका हूँ। तो शुभम आते ही हम दोनों साथ में चलेंगे, तो यहाँ से ही आने वाला है वो। और यहाँ से ना अभी काफ़ी सारे धोन शिरगांव टेंपल में जाते हुए दिखेंगे। तो या करते हैं वेट शुभम का, ये दिखा गया शुभम शायद से मुझे उधर ना ढूंढ रहा है किधर। तो शुभम पीछे आ चुका है मेरे, और आगे जाके ना सनी भी मिलने वाला है, तो फटाफट से चलते हैं। और मैंने फेस पे नैपकिन लगाया क्योंकि काफी ना बाहर भीड़ है दोपहर का टाइम है, तो जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं टेम्पल के पास। तो गाइस फाइनली सनी भी मिल चुका है मुझे, ये तो मेरे साथ पहले से ही था। और अभी हम जा रहे हैं हमारे दूसरे मंदिर की तरफ, और शायद से विराज भी आने वाला है। विराज मिलेगा तो सही है, नहीं तो देखेंगे बाद में। और यहाँ पर ना अभी काफ़ी भीड़ है, देख सकते हो आप, और रात में यहाँ पर इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। और गाइस ये ना है होमकुंड, रात के टाइम पे ना ये सब जलाया जाता है। तो यहाँ पर अभी भीड़ देखना कितनी है, ये देख लो। पवित्र त्या शिरगांव विलाभल्या मायेचे ससायके, आस तुझा दर्शनाची माय लागल्या, भेट मायेची मजा घेऊन डोळे आशेल्या, शिला गे माय रूप तुझे पळुंगे। तो यहाँ पे ना गाइस काफी भीड़, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है, ये देखो पीछे। और अभी ना हम जाएंगे यहाँ से और एक टेंपल में ऊपर, टेंपल का नाम क्या है, मुड्डेर। ओके, मुड्डेर के ऊपर एक प्लेस है, तो उधर चलेंगे अभी हम। तो अभी ना यहाँ से निकल रहे हैं, ये दोनों नहाने के लिए गए थे नीचे तली में, और ये देखो विराज भी आ गया। हाय विराज, और विराज के आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, सो विराज कॉन्ग्रेचुलेशंस। और शुभम भाई के लिए भी 5000 फॉलोअर्स, काफी दोनों एक्साइटेड है, जत्रा खत्म होने के बाद दोनों पार्टी देंगे हमको, जरूर देंगे। विराज ने नहीं बोला, विराज नहीं बोल रहा है, स्पॉन्सर ये दोनों हैं। भाई आप दोनों को इस गर्मी में कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी ऑलमोस्ट टेम्परेचर आई थिंक 38 है, जस्ट मैंने चेक किया था 38% टेम्परेचर है, तो इधर काले हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट हम
10 हो चुके हैं और अभी ना एक काम है कि हम रात को आएंगे डायरेक्टली अभी यहाँ से जाके अभी जाएंगे हम मंदिर में। और पीछे मैंने आपको बोला कि हम और एक मंदिर में जाएंगे, उधर हम नहीं गए क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, पॉसिबल नहीं था। भाई अभी तो टेम्परेचर तो बहुत है और गर्मी भी इतनी हो रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज है श्री देवी लहराए की जत्रा, और तो जत्रा भी हमको एंजॉय करना है। सब जगह अभी ना ढूंढ देंगे इतने। सूरज भाई राम रे होएगा कसा। सूरज भाई अभी मंदिर से आए और बता रहे थे कि मंदिर में काफी भीड़ है सर, क्या हो रहा है? और मुझे भी अभी मंदिर में जाना है, तो देखूंगा मैं कैसे क्या होता है। तो सूरज भाई चलो मिलते हैं, अभी पॉसिबल है तो जाएंगे, नहीं तो डायरेक्टली रात को पॉसिबल ही नहीं है, अभी भी पॉसिबल ही नहीं है, टाइम भी होगा है ना। तो अभी ना हम आए थे मंदिर में अंदर जाने के लिए, भीड़ देखो कितने हैं और अभी पॉसिबल भी नहीं है जाने के लिए। और ये विराज आया था हमारे साथ और सनी जो है वो चला गया घर पे, अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो शाम को जाना पड़ेगा मंदिर में। मैं आया तो था मंदिर में जाने के लिए, चांस भी नहीं है, यहाँ से आपको लाइन छोटी दिख रही है लेकिन लाइन यहाँ से जाके घूम देखो एक बार दिखा था लाइन आपको, अभी पॉसिबल नहीं है जाने के लिए, लाइन दिखा था देखो, ये भीड़ देखो कितनी, यहाँ से बाहर से ऐसे अंदर है। तो अभी नहीं लगता कि हम जा पाएंगे अंदर, क्या हमारा चले डायरेक्टली मिलते हैं रात को। तो अभी ना मैं चलता हूँ घर और मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ रात को। Six hours later. तो गाइस अभी ना हो चुकी है रात और मैं जा रहा हूँ शिरगांव यात्रा के लिए और रात को ही जाते हैं उधर। और अभी ना टाइम देखो कितना बज गया है, 11:39। इतना लेट में जा रहा क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मेरे ना साउथ गोवा से थोड़े दोस्त भी आने वाले हैं, इसके लिए मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ, उनको पहले मिलना है और बाद में उनको ही लेकर जाना है, क्योंकि अगर मैं पहले चला गया तो उधर मिलना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उधर नेटवर्क भी कुछ नहीं मिलता। तो यह चलते हैं और डायरेक्टली अभी मिलता हूँ जहाँ पर हम सब लोग मिलेंगे और विराज भी आने वाला है। सो या लेट्स गो। तो गाइस मैं ना होमकुंड के पास पहुंच चुका था और ये देखो विराज मिल गया मुझे, और मेरे साथ जो चार दोस्त आए थे ना मरगाव से वो किधर घूम चुके हैं, भीड़ इतनी है कि देखो। अभी ना मुझे नींद आने लगी है और विराज कैसे मिला मुझे ही मालूम है। और यहाँ पर मिल चुके मेरी बहन गौतमी, हाय एंड रितिका, आणि हे कोणाला तरी भुरगी आमका मेळा शेंडला विराट विराट क्रश केले विराट विराट गावस क्रश केलो विराज गावस रे विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। साथ भैणी गास्ता जगभर तुमची काणी, कीर्त मायेची मझारे महान। The next day. तो गाइस ये ना है नेक्स्ट डे और जो लास्ट शॉट आपने देखा जो धोन होमकुंड से भाग रहे थे वो होने के बाद ना मैं आया था घर और करीबन मैं 5 बजे कुछ घर पहुंचा था और उधर ना भीड़ इतनी थी कि सब दोस्त जो थे वो दूर हो गए थे मेरे से। और लास्ट जब मैं घर आया था तब मिले वो, आते टाइम भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो ऐसा कुछ था मेरे जत्रे का व्लॉग, तो आई होप आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये वीडियो तो मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म और मिलते हैं मेरे ऐसे किसी अच्छे व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।